कहाँ पूजा की जाती तो कहाँ दहन की जाते है रावण। आई जानी थे कौन ऐसी जगह है जहाँ पे रावण का दहन की जाता है और कौन ऐसी खास जगह है जहाँ रावण की पूजा की जाती। रावण का 10 सिर होए के कारण ज्ञाता भी माना जाता है। 4 वेदन के ज्ञाता रहे और 10 सिर होए के बाद शास्त्र, 4 वेद और बहुत सारे ऐसे ज्ञान के प्रतिनिधित्व करते रहे रावण। आई जानी थे विंद के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम अमीषा चौहान अपना वंचन का सवय जन का प्रणाम करी थे और आज के दिलचस्प खबर की ओर अपना वंचन के रुख करी थे। कुछ लोग कहा था कि रावण 10 सिर के वाले रहे, विद्वान रहे, पंडित रहे, कई शास्त्र के ज्ञाता रहे, 4 वेदन पर प्रतिनिधित्व करते रहे। भारत की कुछ ऐसा जगह है जहाँ रावण का देवता के रूप में माना जाता है और कहा जाता है कि नवरात्र के दसवें दिन मतलब दशहरा देश की माँ नवरात्रि जब मनाई जाती 9 दिन के बाद, कई ऐसा देश जगह है जहाँ पर रावण का बुराई पर अच्छाई के जीत मान के और उनका दहन किए जाते हैं, पर बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर उनका पूजा की जाती। दशहरा के दिना उनकी आत्मा की शांति खातिर पूजा हवन की जाता है। रावण के बुरे चरित्र के रूप में जाने वाले कई लोग कहा था कि नहीं, सीता माता के अपहरण करे के कारण उनका एक बुरा चरित्र मान लिया रहा। वही के बाद से बहुत देश में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर उनका जलावा जाए लगा, दहन की जाए लगा। लेकिन अब हम अपना का बताए थे कौन कौन ऐसा जगह है जहाँ पर उनका पूजा की जाती। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रामायण के अनुसार रावण मंदसौर के दामाद आही, उनकर पत्नी मंदोदरी के पैतृक स्थान आया मंदसौर। यही कारण से मंदसौर के माँ भगवान शिव की भक्ति के प्रतीक मान के रावण की पूजा की जाती और 35 फुट की यहाँ प्रतिमा है इनकर। दशहरा के दिना मांडासुर के लोग उनके मृत्यु के शोक माँ उनके प्रार्थना करा था और मनावा था उनके आत्मा की शांति खातिर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली माँ आदिवासी रावण का और उनके पुत्र का भगवान माना थे। विशेष रूप से आदिवासी त्योहार फाल्गुन के दिना ये प्रार्थना करा था। यहाँ गौर आदिवासी के अनुसार महर्षि वाल्मीकि रामायण में उल्लेख किन गा है कि रावण का कोनो गलत चरित्र नहीं बतावा गा है, लेकिन जब तुलसीदास जब रामचरितमानस लिखिन तो ओमा रावण का एक बुरा चरित्र बताएं। जैसे गढ़चिरौला के लोग माना था कि रावण महान आत्मा रहे, उनका पूजा की जाए चाहिए। उत्तर प्रदेश विसरख नाम रावण के पिता के रहा, जहाँ ऋषि विश्वा के नाम पर यह स्थान के नाम रखा गया है विसरख। साथ ही विसरख माँ रावण की जन्मभूमि कही जाती है, एक वजह से इस क्षेत्र में लोग उनकी पूजा करा था। यहाँ तक कि दशहरा के दिन इस स्थान पर लोग माना था कि प्रार्थना की जाए चाहिए कि रावण के आत्मा का शांति मिले। विशेष रूप से ऋषि विश्वा एक बार विसरख के एक शिवलिंग की खोज करे रहे, तब उसे उस क्षेत्र में लोग ऋषि विश्वा का और रावण का राक्षस राजा के रूप में माना था और सम्मान करा था। नवरात्रि के दौरान विसरख के लोग रावण की दिवंगत आत्मा खातिर यज्ञ, प्रार्थना, हवन तक कर रहा था। और ऐसे ही एक स्थान है कर्नाटक के मांड्या और कोलार। कर्नाटक के मांड्या कोलार के लोग भगवान शिव के भक्ति की प्रशंसा करे खातिर और फसल की उत्सव मनावे के दौरान कोलार जिले में स्थानीय लोग रावण की पूजा करा था। भगवान शिव के 7 दशानन की मूर्ति रखा था और प्रार्थना करा था। दूसरी ओर मांड्या के लोग रावण के मंदिर जा था और भगवान शिव की भक्ति के सम्मान करा था। उनका भगवान शिव के महान भक्त के रूप में कई लोग माना था। महान पंडित कहे जाने वाले बहुत जगह पर और कई जगह पर बुराई पर अच्छाई की जीत कहे जाने वाले रावण के बहुत ऐसी जगह है जहाँ पूजा की जाती। तो आई देखी थे और जानी थे, अपना सोची कि क्या रावण की पूजा की जाए चाहिए या दहन की जाए। अपन ख्याल रखब, अपने परिवार के ख्याल रखब। नमस्कार।